हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं फैजान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एफ से ब्लॉग। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हूं हांगकांग में और ये जगह का नाम है सिम चर्चरी। अभी मैं हूं चुंगन मेंशन के पास और आज है 10 फरवरी। तो आज जो है वो इनका चाइनीज़ों का जो है वो नया साल है यहाँ पे, जिसका जो है नूरा न्यू ईयर, जो कि मतलब एक तो इनका न्यू ईयर है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारी तैयारियाँ चल रही हैं। मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे जो है ये मेन रोड है, ये वाला इन्होंने पूरा बंद कर रखा है। कुछ देर में यहाँ पे जो है काफ़ी सारा मतलब क्राउड होने वाला है, काफ़ी सारा फंक्शन जो है वो होगा और काफ़ी सारा मतलब पुलिस वगैरह भी यहाँ पे है। ये सबसे ज़्यादा जो है हांगकांग में ये वाला रोड जो है मेन है हर जगह के लिए, आपको इसी रोड में से जो है वो जाना पड़ेगा। लेकिन इस टाइम देख लो आप, पूरा रोड जो है वो इन्होंने बंद कर रखा है, सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल लोग जो है वो रोड क्रॉस कर रहे हैं। अभी कुछ देर में यहाँ पे जो है फंक्शन वगैरह भी शुरू होंगे, क्योंकि आज इनका चाइनीज़ जो है वो न्यू ईयर है। और हर साल जो है मतलब मैं लोग बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा धूम धड़ाके से जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो जैसे भी होगा मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। और ये वाली जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये चुंगन मेंशन है, इसके अंदर आपको जो है अपने इंडियन और पाकिस्तानी नेपाली जो है हर तरह के लोग जो है आपको देखने को मिल जाएंगे, और इंडियन फूड, पाकिस्तानी फूड, बांग्लादेशी, नेपाली सब जो है आपको इसके अंदर मिल जाएगा। बाकी अभी का सीन कुछ ऐसा है और इस टाइम 5 बजे का टाइम जो है वो हो चुका है, और इंडिया के जो है वो 2.5 घंटे का फ़र्क है इंडिया के टाइम में और यहाँ के टाइम में। तो अभी जो है हम चलते हैं थोड़ा आगे की साइड में, आगे का भी जो है मैं आपको व्यू वगैरह दिखा देता हूँ। ये पूरा जो रोड है ये नाथन रोड है और ये चिमटाचुई का जो है वो एरिया है, आप इसे TST शॉर्टकट में जो है वो कह सकते हैं। तो अभी चलते हैं आगे की ओर और दिखाएंगे जैसे भी होगा आपको। तो हांगकांग की जो पुलिस होती है मैं आपको बता दूं, ये जो होते हैं भाई ये इमिग्रेशन पुलिस है, और किसी भी बंदे को पकड़ करके मतलब जो है वो चेक कर लेती है पासपोर्ट, उनकी आईडी। अगर जो लोग यहाँ पे इलीगल होते हैं तो उनको जो है तुरंत जेल में भेज दिया जाता है और कोर्ट में पेश किया जाता है, और मतलब ये इमिग्रेशन पुलिस होती है जो आप जो है मतलब एयरपोर्ट पर क्वेश्चन भरा करते हैं, सेम वही अथॉरिटी जो है वो इनके पास भी होती है, ये इमिग्रेशन पुलिस है। तो इनकी भाई यूनिफॉर्म देख लो कितनी ज़बरदस्त है, कितनी ज़्यादा कर रही है, और इस यूनिफॉर्म में जो है ये मतलब और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं लोग। और अगर बात की जाए ठंड की, तो भाई ठंड हल्की हल्की से ठंडी हवा चल रही है, ज़्यादा मतलब ठंडी नहीं हो रही है। सुबह के टाइम में जो है मतलब ठंडी हो रही थी, अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है जितनी पहले थी। यहाँ जो है काफ़ी बड़ी बड़ी मतलब जो है ज्वेलरी की भी शॉप हैं और डायमंड की भी यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मतलब शॉप हैं, इस तरीके से जो है मतलब शॉप होती है कुछ डायमंड की और ज्वेलरी की। बाकी सारा रोड इन्होंने जो है वो बंद कर रखा है। तो भाई पास से जो है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये सब रोड इन्होंने जो है बिल्कुल बंद कर रखे हैं और हर जगह जो है आज पुलिस की पुलिस है। तो ये सामने जो देख रहे हो ये यहाँ की मस्जिद है, अंदर से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब खूबसूरत भी है। और यहाँ पे जो है कि कालून पार्क है, बहुत बड़ा मतलब जो है ये पार्क है, अंदर से काफ़ी खूबसूरत है। आज के दिन जो है मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ इंडोनेशियन और फिलिपिनो जो है वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि छुट्टी का दिन है। तो बहुत सारी यहाँ पर आपको इंडोनेशियन फिलिपिनो जो है मिलेंगी आज देखने के लिए। अपने इंडिया में सोचते हैं कि मतलब इंडोनेशियन और फिलिपिनो से बात करो बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू देते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इंडियन जो है बात करते हैं इंडोनेशियनों से, फिलिपिनो से, लेकिन यहाँ पे इनकी कुछ भी वैल्यू नहीं है। ये देख लो भाई सब बैठे हुए हैं, पूरी पार्क जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो हर जगह आपको आज इस तरीके से बैठे हुए दिखाई देंगे इंडोनेशियन और फिलिपिनो, और मोस्टली जो है वो ये वीज़ा पर होती हैं। अब वीज़ा इनका जो होता है वो डोमेस्टिक वीज़ा होता है, ये घरों में जो है वो काम करती हैं, खाने बनाने का और साफ़ सफाई का,
घरों में काम करती हैं, इनका ये काम होता है इसलिए, और इनकी जो सैलरी होती है वो 5,000 से 6,000 डॉलर होती है। बस कुछ देर में जो है वो दिखाऊंगा आपको कि मतलब इनकी किस तरीके से जो है वो सेलिब्रेट करते हैं अपना फेस्टिवल। तो ये है कुछ इस तरीके से
तो गाइस अभी फंक्शन खत्म होने का 9 मिनट ले रहे हैं और मुझे यहाँ पे इसी तरीके से जो है लगभग 3 घंटे हो गए हैं खड़े खड़े, लेकिन लौट फिर के वही जो है सब वो निकल रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है वो लाइक करना, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।